भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अपना ये जो आज का 10 बजे का सेशन है, करते हैं इसे स्टार्ट। जितने भी बच्चे हैं एक बार इस सेशन को कर देना शेयर, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा कि सभी बच्चे जुड़ सकें और क्लास का मजा ले सकें। क्वेश्चन प्यारे प्यारे हैं, सभी ने कमेंट करना है, ठीक है बच्चों? कमेंट जरूर करना हर एक क्वेश्चन पर, क्योंकि आपकी जितनी एक्यूरेसी आपको पता चलेगी और इसी से पता चलेगी कि आप कितने आंसर सही कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। इधर 25 क्वेश्चन कराता हूं आपको डेली के 10 बजे, और इन्हीं 25 क्वेश्चन में से अगर आप 20 क्वेश्चन प्लस अगर सही कर रहे हो ना यहां पे, तो समझ लेना पेपर में भी आप 20 प्लस करोगे सही, और 20 प्लस सही कर दिए तो सिलेक्शन पक्का है, जीके तो आपकी बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा सभी क्वेश्चंस एक एक करके। और अपना क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता है, पहली क्लास की टाइमिंग क्या है, 5 बजे की, फिर 8:30 बजे, 10 बजे और 11 बजे, ये टाइमिंग है अपनी पूरी, ठीक है। और मुझसे जुड़ने का तरीका आप सभी को बताएं, टेलीग्राम पे सर्च करना है अमन सर वाईफाई स्टडी। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर बताइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आसान है क्वेश्चन। फर्स्ट 5-ईयर प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज बेस्ड ऑन, जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना बनी थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी भारत में, उस पर वो किस पर आधारित थी यार? क्या उसका बेसिस था, क्या उसका प्रिंसिपल था, क्या उसका एम था बताइएगा, क्या उसका टारगेट था, किस चीज पर आधारित थी, कौन सा मॉडल था बताइएगा, कौन सा मॉडल था उसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइएगा, फर्स्ट 5-ईयर प्लान का, प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था, ठीक है। जल्दी से कमेंट करना इस क्वेश्चन पर, जितने भी बच्चे हैं जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन पर। और देखो ये जो फर्स्ट 5-ईयर प्लान है, उसके बाद पूरे 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली, अब भारत में नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग से भी सवाल आ सकता है, तो इसी सीरीज में नीति आयोग पे भी सवाल कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बता देना जल्दी से, क्या इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ। देखो आंसर क्या है इसका, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे थी, हराड डोमार मॉडल के ऊपर थी, दिमाग में रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल ये था, इनके द्वारा ये मॉडल तैयार किया गया था। पहले 5 साल जितनी भी हमारे देश में अर्थव्यवस्था चली थी वो इनके मॉडल पर ही आधारित थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, आंसर है बी इसका आंसर। देखते हैं एक और क्वेश्चन इसके बाद, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखो आज मैं आपको ना प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, नीति आयोग से संबंधित जितने भी सवाल है ना, सारे कवर करा दूंगा। जैसे आप सभी जानते हैं पीसी महालोबिस, पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए हु इज पीसी महालोबिस, ठीक है। पीसी महालोबिस है कौन, ठीक है, पीसी महालोबिस कौन है, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंडियन स्टैटिस्टिकल जो इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी, पीसी महालोबिस ने, पहली पॉइंट तो ये, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, महालोबिस मॉडल हैज बीन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द 5-ईयर प्लान, कौन सी पंचवर्षीय जो योजना दी गई थी वो महालोबिस के द्वारा दी गई थी, पीसी महालोबिस के द्वारा दी गई थी, पीसी महालोबिस मॉडल था उसमें बताइए, कौन सी पंचवर्षीय योजना में। पहली का तो हमें पता चल गया हराड मॉडल है, ठीक है, दूसरी का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा 5-ईयर प्लान है जो कि महालोबिस मॉडल से रिलेटेड है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है जल्दी से बताना, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, कौन सा 5-ईयर प्लान जो है पीसी महालोबिस मॉडल से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन पर। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है यार, आंसर है सेकंड 5-ईयर प्लान, सेकेंड 5-ईयर प्लान जो है वो महालोबिस मॉडल से एसोसिएटेड है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, पहला और दूसरा हो गया हमारा, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, महालोबिस मॉडल से रिलेटेड है, ठीक है। 5-ईयर प्लान किससे रिलेटेड है, महालोबिस मॉडल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। Which river in Southern Peninsula has the second largest river basin? कल मैंने एक क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर बेसिन का क्वेश्चन का आंसर बता दिया था। अब आपसे पूछा गया भैया सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा है, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया था, आप बताइएगा सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है Southern Peninsula में, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन किसका है बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। और इस पे जल्दी से कमेंट करेगा, आसान क्वेश्चन है ये तो, ठीक है। जैसे कल एक आसान क्वेश्चन था,
फर्स्ट लार्जेस्ट का ऐसे ही है, सेकंड लार्जेस्ट का भी पता होना चाहिए। बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और भाई सेशन को एक बार शेयर जरूर कर देना, जितने बच्चे देख रहे हैं सेशन को शेयर जरूर कर देना। आंसर क्या है इसका? गोदावरी इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। सियाचिन ग्लेशियर आप सभी जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में एक डिस्प्यूट का एक मुद्दा रहा है। भारत इस पे विजेता हासिल कर चुका है, ठीक है। भारत की विक्ट्री है सियाचिन ग्लेशियर पर, मतलब अपना एक होता है ना कि एक कंट्रोल किसका है, तो भारत का कंट्रोल है। सवाल ये पूछा गया है, सियाचिन ग्लेशियर मेल्टिंग वाटर्स आर मेन सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। जो सियाचिन जो ग्लेशियर्स है उसमें जो पानी पिघल रहा है, बर्फ जो पिघल रही है, उसका पानी किस में जाता है, किस नदी में जाता है, किस नदी का मेन सोर्स सियाचिन ग्लेशियर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं कि भैया कौन सी ग्लेशियर्स में से पानी कहां पे जाता है, कौन सी नदी का सोर्स है। बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर क्या है। सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ये सवाल पूछा जाता है और बड़ी फेमस नदी है, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से, कमेंट करिएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर जल्दी से कमेंट करना। देखो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, देखो सतलुज, सेओंग और ये ब्यास नदी इसका आंसर नहीं है। आंसर क्या है? डी इसका आंसर है, नुब्रा नदी जो है, ठीक है। नुब्रा नदी का जो मेन रिसोर्स है, वाटर रिसोर्स जो है, वो कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक है। दिमाग में रखिएगा, नुब्रा नदी का जो मेन रिसोर्स है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बताइएगा एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहान डैम। बताइएगा रिहान डैम जो है, ये जो डैम है ये कौन सी नदी के उस पर बना हुआ है? बताइएगा कौन सी नदी पर बना हुआ है डैम, ठीक है। ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहान डैम बीन कंस्ट्रक्टेड। बताइएगा कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी पर ये बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर बताइएगा। आसान है क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहा हूं आपको आज, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखो क्वेश्चन आपको या तो रिवर का मिलने वाला है ज्योग्राफी में, या तो डैम का मिलने वाला है, या तो आपको ग्लेशियर्स का क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। इन तीन में से तो एक आएगा ही आएगा ज्योग्राफी से, तो यार इसको पूरा अच्छे से कवर कर लेते हैं आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन पर। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का? सोन इसका आंसर है। मैंने आपको ये भी बताया था इस क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी इनमें से ऐसी नदी है जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको कल की क्लास में कराए थे, कवर करा रहा हूं मैं आपको ज्योग्राफी, ठीक है। कल भी 10 बजे कवर कराई थी, आज भी 10 बजे कवर कराई है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर क्या है? सी इसका आंसर है, सोन नदी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। और भाई जितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पर, यूज करिएगा कोड Wi-Fi 2020। चाहे आप SSC में ज्वाइन करें, चाहे रेलवे, DRDO और एनी अदर एग्जाम, यूज दिस रेफरल कोड, और ये रेफरल कोड हर जगह चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक एग्जाम में चलेगा या सिर्फ एक ही जगह पे चलने वाला है। किसी भी कोर्स में आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो Wi-Fi 2020 कोड यूज करिएगा। जहां पे भी पूछा जाता है यूज द रेफरल कोड, यू विल गेट 10% डिस्काउंट एंड डेफिनेटली यू विल बी कनेक्टेड विद मी, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। रिवर जो इंडस है ये कौन सी रेंज से एमर्ज होती है? बताइएगा सिंधु नदी जो है उसका जो ओरिजिन होता है वो कौन सी रेंज से होता है, कौन सी रेंज से, कौन से पर्वतों से होता है? हिंद कुश, हिमालय, काराकोरम या कैलाश? बताइएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताओ क्या है। इंडस रिवर जो है, सिंधु नदी जो है, इसका उत्पन्न कहां से होता है? क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर बताइएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर जल्दी से कमेंट कर रहे हैं एक बारी। जल्दी से कमेंट करो क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या है। आंसर क्या है इसका? क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए इसका आंसर है, ठीक है। हिंदू कुश रेंज से एमर्ज होती है कौन सी नदी? सिंधु नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स के बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। नाटो की फुल फॉर्म क्या है बताओ आज,
नाटो की फुल फॉर्म क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। नाटो के जो क्या बोलते हैं जो हेडक्वार्टर्स हैं वो तो आप सभी को मैंने करा दिया है। क्वेश्चन कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में हेडक्वार्टर है नाटो के, मैंने आपको करा रखा है कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रुसेल्स में है, ठीक है, कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, और ब्रुसेल्स है कहाँ पे, बेल्जियम, ठीक है, और बेल्जियम कहाँ पे है, बेल्जियम यूरोप में है। अगर इसका भी पूछा जाए तो ये भी पता होना चाहिए यूरोप में, ठीक है, तो एक चीज तो हमें मिल गई, ब्रुसेल, बेल्जियम और यूरोप। फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि भैया नाटो के फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, बिल्कुल सही आंसर क्या है इसका, बी इसका आंसर है, आंसर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूएसए हिस्सा रहा है, बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान में जितने भी वॉर हुई है, जितने भी ट्रेजेडीज हुई है, उसमें जो है यूएसए और इन सब का पार्ट रहा है, लेकिन सेफ करने के लिए, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट में यूएसए का पार्ट रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है, बी इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया है। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, जल्दी से कमेंट कर देना, ठीक है, और मैं इसमें शायद कमेंट भी ना पूछूं आप सभी का, आंसर क्या है एटीएम की फुल फॉर्म पूछा जाए तो, बी इसका आंसर है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर है अगर आपसे पूछा जाता है एटीएम की फुल फॉर्म के बारे में, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऐसे ही आपसे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे इसका बताएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, बताइए डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, शायद इसका आंसर आपको ना आता हो, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन पे, कमेंट करो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा, वैसे नाटो का आसान हो गया था लेकिन ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है, डीटीपी किससे रिलेटेड है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इट इज रिलेटेड टू पब्लिशिंग, ठीक है, और आंसर क्या है, प्रिंटिंग, आंसर क्या है इसका, आंसर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, आंसर क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ठीक है, डीटीपी की फुल फॉर्म क्या है, अगर मैं इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखूं तो आंसर क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग इसका आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा साथ के साथ, रिवर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव फॉर द साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड एकेडमिक कम्युनिटी, बताइएगा क्या है इस पूरे जो कम्प्यूटिंग इनिशिएटिव का नाम क्या है, जो कि साइंटिफिक इंजीनियरिंग और एकेडमिक कम्युनिटी के लिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, थोड़ा सा मुश्किल हो गया क्वेश्चन, बताइएगा नेशनल ग्रिड जो है इसका नाम क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, और मैं आपको हिंट भी देता हूं, फ्रांस और इंडिया के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, उसका नाम भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, आप बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेशनल ग्रिड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव, आंसर क्या है, देखो इसका आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर क्या है, गरुड़ा इसका आंसर है, ठीक है, गरुड़ आपने सुना हुआ है, फ्रांस और इंडिया के बीच में मेजर एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज, तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से भी याद रखना कि इंडियन नेशनल ग्रिड कौन सा है, आंसर क्या है, गरुड़ा इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, इस 11th क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आर के नारायण ने इसमें से 3 बुक लिखी हुई है और एक नहीं लिखी गई, पूछा गया है कि आर के नारायण के द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर के नारायण के द्वारा इनमें से कौन सी किताब नहीं लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर, आर के नारायण द्वारा कौन सी किताब नहीं लिखी गई, देखो बैचलर्स, द बैचलर ऑफ आर्ट लिखी गई है, ठीक है, द इंग्लिश टीचर बिल्कुल लिखी है, वेटिंग फॉर द महात्मा ये भी लिखी गई है, कौन सी नहीं लिखी है, टू लीव एन अ बर्ड, ठीक है, टू लीव एन अ बर्ड, ये जो किताब है आर के नारायण ने नहीं लिखी है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या है, ए इसका आंसर है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, आसान है क्वेश्चन, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बड़े क्वेश्चन देखे ना, घबराना नहीं है कि सर बड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया या कुछ है, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर बड़ा फेमस हो जाते हैं, इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं तो आसानी से आंसर मिल जाता है। सम ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट गैदर्ड इन 1940 टू फिगर आउट हाउ टू रिफाइंड यूरेनियम एंड बिल्ड एटॉमिक बम, व्हाट वाज देयर वर्क कॉल्ड, किस नाम से जाना जाता है, जितने भी ये जो
एटॉमिक बम बनाना स्टार्ट हुए ना, तो 1940s में कुछ साइंटिस्ट इकट्ठे हुए थे, उन्होंने देखा था कि यूरेनियम को कैसे रिफाइन किया जा सकता है और एटॉमिक बम कैसे बनाया जा सकता है। ये जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है, बताइए इस प्रोजेक्ट को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, बहुत फेमस प्रोजेक्ट है, बहुत ज्यादा फेमस प्रोजेक्ट है ये, जो न्यूक्लियर बम, एटम, ये सब चीजें ना उसी से ही रिलेटेड हैं, ठीक है, ओरिजिन ही उनका इसी से हुआ। आंसर क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, ठीक है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये बहुत फेमस प्रोजेक्ट है। और अगर आपसे कोई पियर हार्बर पूछे तो इसमें तो यार जो क्या बोलते हैं, अटैक किया था जापान फोर्सेस ने अमेरिका की इस पियर हार्बर में अटैक किया था, ठीक है, ये तो फेमस उस वजह से है, ठीक है। इसका आंसर क्या है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा इसी बात पर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स विल बी इंक्लूडेड फॉर फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स 2020। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये अभी के लिए भी, क्योंकि ये पहले ही इंक्लूड कर दिया गया ओलंपिक 2020 जो हो रहे हैं उसके लिए, जो एक गेम है जिसको इस बार ऐड किया गया ओलंपिक्स में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, कौन से गेम को ऐड किया गया है ओलंपिक्स में इस बार ही, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर क्या है, कराटे जो गेम है इसको ओलंपिक में, बहुत रेपुटेशन है इस गेम की, फिर भी इसको अब जाके कहीं फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स में इंक्लूड किया गया है, ठीक है, 2020 में। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बताइए किस लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है उत्तराखंड की, उत्तराखंड की किस लेक को मिस्ट्री लेक कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, किस लेक को उत्तराखंड की मिस्ट्री लेक कहा जाता है, जल्दी से बताइएगा। आंसर, उत्तराखंड की मिस्ट्री लेक किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट करो। और भाई सेशन को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आता है तो, सेशन को शेयर भी कर देना अगर आपको पसंद आता है तो, ठीक है। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करा रहा हूं। आंसर क्या है, मिस्ट्री लेक उत्तराखंड में किसे कहा जाता है, रूप कुंड को, एक ऐसी लेक है जिसे मिस्ट्री लेक के नाम से जाना जाता है और ये कहां पर है, उत्तराखंड में है, ठीक है। देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। हु वाज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, नील दर्पण के ऑथर कौन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ नील दर्पण, बड़ी फेमस है नील दर्पण तो सभी बता सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, नील दर्पण के ऑथर कौन है, बहुत फेमस है ये, ठीक है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री से रिलेटेड ये नील दर्पण बहुत ज्यादा फेमस है, देश की आजादी और इन सब चीजों में इनको बहुत प्रचलित किया गया था। नील दर्पण जो है किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, आंसर क्या है, दीन बंधु मित्रा, और फेमस है और आ सकता है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है ये, ठीक है, कोई ऐसा स्टैटिक पार्ट नहीं है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि भैया दीन बंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी, ठीक है, ऑथर कौन थे, दीन बंधु मित्रा, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच वन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ ओशियनिक फ्लोर, ओशियनिक फ्लोर का मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट कौन सा है, बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो एक्सटेंसिव पार्ट मतलब जहां पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, आंसर क्या है, डीप सी प्लेन जो है ना वहां पे सबसे ज्यादा मैरीन लाइफ होती है, तो आंसर क्या है, डीप सी प्लेन्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ ओशियन फ्लोर, ठीक है, पूरा जो ओशियन जैसे समुद्र है उसके नीचे का जितना भी फ्लोर है अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, कुछ पार्ट को कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं, कुछ को कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, कुछ को ओशियन डीप कहते हैं, उसमें से डीप सी प्लेन जो है मोस्ट एक्सटेंसिव फ्लोर है ओशियन फ्लोर में, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा साथ के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। देखो मैंने कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था, ठीक है, कल भी इसके ऊपर क्वेश्चन कराया था कि भैया जो हमारा गंगा डॉल्फिन जो है उसका सबसे पहला हेडक्वार्टर कहाँ, उसका जो सबसे पहला म्यूजियम बना है, रिसर्च सेंटर बना है, वो कहाँ पे बना है, मैंने आपको बताया था पटना। और उसके साथ साथ एक और क्वेश्चन ये आ गया कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, और दिमाग में रखना आंसर क्या है, गंगा रिवर डॉल्फिन इसलिए फेमस है, इसलिए रिसर्च सेंटर बना है इस पे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन हमारे देश की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर इन नागालैंड, कौन सा ऐसा, ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नागालैंड में कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्हीं दिनों में उन्होंने इधर विजिट किया था इस फेस्टिवल में, इसलिए ये फेमस हो गया। इसलिए भी फेमस है क्योंकि एक NCERT की इंग्लिश की किताब है जिसमें भी ये इस पूरे फेस्टिवल का एक पिक्चर दे रखा है, उस चिड़िया का पिक्चर दे रखा है। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का, आंसर क्या है, नागालैंड से रिलेटेड अगर कभी भी पूछा जाए तो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका आंसर, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है, नागालैंड में होता है, ठीक है। इवन नरेंद्र मोदी वेंट टू दिस फेस्टिवल, ठीक है। क्वेश्चन 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। On which date is the World Loin Day? World Loin Day पूरे साल में एक बार मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है, बताइएगा किस दिन World Loin Day किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। अगर कोई बोले ना किस दिन शेरों का दिन कौन सा होता है, शेरों का दिन, देखो 15 हमारा दिन कौन सा था, 15 अगस्त था, ठीक है, हमारा दिन था 15 अगस्त, लेकिन हमारा दिन 5 दिन पहले ही आ गया था क्योंकि हम सब क्या है, वी आर, ठीक है। आंसर क्या है, 10 अगस्त इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे याद कर लो, अब हमें याद हो गया, हमारे मैंने एक कुछ भी बोल दिया लेकिन मैंने जो बोल दिया उसे आपको याद है, 15 अगस्त को हमारा दिन, हमारा दिन 5 दिन पहले ही आ गया और हम क्या हैं, ये हैं, और आंसर क्या है, 10 अगस्त, ठीक है। कुछ नहीं, कोई तुक नहीं बनता लेकिन आपको याद है 10 अगस्त आप कभी नहीं भूलने वाले, वर्ल्ड लोइन डे 10 अगस्त को बनाया जाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पता है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, डैश आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडिया, पता है कौन सा ऐसा आइलैंड है जिसमें वोल्केनो ओनली एक्टिव वोल्केनो है और इसको वोल्केनो का नाम भी यही है, ठीक है, बताइएगा, बताइएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन ये ना UPSC में भी पूछा गया है, लास्ट ईयर जो फिल्म्स हुआ था ना उसमें तक इस क्वेश्चन को पुटअप किया था, लेकिन थोड़ा डिफरेंट वे में किया था, ईयर पूछ लिया था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आसान हो गया, SSC लेवल, क्या बोलते हैं, रेलवे लेवल तक में क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। आंसर क्या है, कौन सा, बैरन, ठीक है, बैरन जो आइलैंड है उसमें ओनली एक्टिव वोल्केनो है भारत का, ठीक है, अगर आंसर पूछा जाए तो बैरन इसका आंसर है, ठीक है। देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन को बता दो क्या इस क्वेश्चन का आंसर, बताना इस क्वेश्चन का आंसर, Which one of the following is the highest peak of Aravali Mountain? Aravali Mountain की सबसे highest peak कौन सी है, ठीक है। देखो अरावली कहाँ पे, राजस्थान के एरिया में है, MP के एरिया में है, तो अरावली जहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। पूछा जाए अरावली माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यार गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए अरावली माउंटेन्स, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश इन सब इलाकों में पाए जाते हैं, ठीक है, हाइट कमी है इनकी, लेकिन इनका अगर सबसे ऊंची पूछा जाए तो गुरु शिखर इसका क्या है, आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, उस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ये फेमस पर्सनैलिटी डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस फील्ड से एसोसिएटेड है, साइंस की कौन सी फील्ड है, या लिटरेचर की फील्ड है, या पॉलिटिक्स की फील्ड है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कर दो आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 12 का। आंसर क्वेश्चन नंबर 12th नहीं भाई, 22 पे पहुंच गए, 12th तो बहुत दूर हो गया था, ठीक है। आंसर क्या है, इकोलॉजी इसका आंसर है, ठीक है, किससे संबंधित है, इकोलॉजी के क्षेत्र से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है, द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड द हिस्टोरिक सेंचुरी ऑफ माचू पिच्चू इज लोकेटेड इन, ये कहां पर लोकेटेड है, नाम खतरनाक है, हमसे भी ना बोला जा रहा, आंसर क्या है बताइएगा, कहां पर लोकेटेड है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कहां पर लोकेटेड है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, लोकेशन बड़ी प्यारी है जहां पर लोकेटेड है, पेरू में लोकेटेड है, ठीक है, पेरू साउथ अमेरिका में है, ठीक है, और यहां पर लोकेटेड है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24, इस क्वेश्चन का आंसर बताना यार, जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का,
द मेन माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, भारत की जितनी भी माउंटेन रेंज है, जितनी भी श्रेणियां है पर्वतों की, उसमें से कौन सा हमारे देश में नहीं है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, कौन सा हमारे देश में नहीं है, आंसर क्या है? हिंदू कुश, नाम हमारे जैसा है, हिंदू हिंदुस्तान, लेकिन हमारी मेन माउंटेन रेंज में ये नहीं आता, ये भारत में कोराकोरम का जो जम्मू कश्मीर है ना उससे ऊपर है, ठीक है, हिंदू कुश इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या है? ए इसका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। द इंजन ऑफ डैश इज द ओल्डेस्ट वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इन द वर्ल्ड, बताइएगा किसका इंजन है, कौन सी ऐसी ट्रेन है जिसका इंजन दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, किस ट्रेन का इंजन दुनिया का सबसे पुराना वर्किंग स्टीम लोकोमोटिव इंजन है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, आने के चांसेस, रेलवे में आने के चांसेस, रेलवे के पेपर में आने के चांसेस पूरे, ठीक है, और फेमस भी है, और हमारा जो दिल्ली में रेल म्यूजियम है वहां पे भी इसका एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है। आंसर क्या है इसका? फेरी क्यून इसका आंसर है, ठीक है। फेरी क्यून दुनिया की एक ऐसी ट्रेन है जिसका जो इंजन है वर्किंग स्टीम इंजन है, सबसे पुराना, ठीक है, पूरी दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर ए। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं तो आपको अनअकैडमी पर बेसिक से एडवांस कोर्स अवेलेबल है जिसका कोड है Wi-Fi 2020। अगर आप इस कोर्स को अवेल करते हो या मुझे कभी भी कनेक्ट होते हो अनअकैडमी पर, कोड यूज करिएगा Wi-Fi 2020, सभी किताबें एक जगह, ठीक है, आप सीख सकते हो, उनको लर्न कर सकते हो। और जितने बच्चे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास 11 बजे है, इस क्लास का लिंक, इस क्लास की PDF, सभी क्लासेस का जो लिंक PDF है, सब कुछ आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, सर्च करिएगा टेलीग्राम पर अमन सर वाईफाई स्टडी एंड गेट कनेक्टेड विद मी फॉर प्रॉपर गाइडेंस और बाकी PDF और लिंक के लिए, ठीक है। तो आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए अलविदा आप सभी को।